देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? नहीं मतलब कोई उपाय तो होगा ना इसका? अच्छा नहीं नहीं, मैं कह दूंगी अपनी बहुओं से। अच्छा प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसा क्या कहा पंडित जी ने? रितु जी माँ, जरा यहाँ आओ बेटा। आई माँ, आपने बुलाया? हाँ वो हाँ बेटा, पंडित जी का फोन आया था गांव से, वो कह रहे थे कि मेरे बेटों पर संकट मंडराया हुआ है। क्या? हाँ, और वो कह रहे थे कि ये संकट तभी टलेगा जब घर की बहुएं अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। सुनो, तुम्हें प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रखना होगा। हाँ जी माँ, मैं रख लूंगी व्रत। पर माँ, निहाल भैया के लिए व्रत कौन रखेगा? अब रुचिता के बारे में मैं क्या ही कहूँ बेटा, मायके में मजे से रह रही है। निहार के लिए कोई पूजा करवा दूंगी मैं मंदिर में पंडित जी से पूछ के। तुम प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रख लेना। जी मैं व्रत के नियम तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी बेटा। हाँ जी जी जी। निहार जी के लिए व्रत मैं जरूर रखूंगी, मेरे होते हुए उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। बाजू श्याम जी महाराज की जय। बेटा तुम्हारा तो निर्जला उपवास है, तुम तो नहीं खा सकती। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है माँ। इमरती ये लो प्रसाद खा लो। अब मालकिन हम बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों, अभी खाओ। वैसे भी तुमने अपनी समझदारी से प्रतीक के पापा की तबीयत को खराब होने से बचाया है, इतना बड़ा काम किया है तुमने। लो प्रसाद लो। प्रसाद ऐसे हाथ में लेकर खड़े नहीं रहते हैं, उसे फौरन खा लेना चाहिए। मेरा भी व्रत है, मैंने ये प्रसाद खा लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। जी मालकिन हम खा लेंगे। खा लेंगे नहीं, अभी खा लो, खा के फौरन खत्म करो और फिर खा के काम भी तो करना है। कहाँ फंस गए, अब क्या करूं? प्रशांत गिरा भी नहीं सकती। खाटू श्याम जी कुछ कीजिए, मेरा व्रत टूटने से बचा लीजिए प्लीज। गिर गया मालकिन। कोई बात नहीं, ये लो दूसरा खा लो। मालकिन हम पहले इसको गांव माता को खिला के आते हैं, किसी का पैर पड़ जाएगा, अभी आते हैं। अरे मेरी इस चाल से तो बच गई तुम, लेकिन अभी तो पूरा खेल बाकी है।